तेलंगाना पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी जी लगातार लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी तीसरे मोर्चे की तलाशी में अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंचे हैं तो प्रदेश के विपक्षी दल कुर्सी की भूख को लेकर विदेश दौरे पर है। प्रदेश की जनता को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास कर रही है। देश में उत्तर प्रदेश इकोनॉमी में नंबर वन पर होने वाला है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर काम कर रही है। आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं और प्रातः काल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं।